मूवी शुरू होते ही हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ पर बहुत अजीबोगरीब क्रिएचर्स रहते हैं। उस जगह का नाम क्रिप्टन है और वहाँ के लोग काफी परेशान थे क्योंकि क्रिप्टन आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रहा था। उधर ही एक कपल के घर बेबी पैदा होता है। उस बेबी के फादर का नाम चौरल था। वो भी अपने प्लैनेट की सिचुएशन को लेकर काफी वरिड था। वो अपने प्लैनेट का कोडेक्स हासिल करना चाहता था, यानी ऐसी चीज जिसमें उस प्लैनेट की डीएनए कॉपी थी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी और उसको यूज करके किसी और प्लैनेट में इस जैसा प्लैनेट बसाया जा सकता था। इस चीज के लिए वो क्रिप्टन असेंबली के पास जाता है और उनसे कोडेक्स मांगता है कि मैं इस मुल्क को बचाना चाहता हूँ, इस प्लैनेट को बचाना चाहता हूँ, लेकिन वो उसे कोडेक्स नहीं देता। और तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है बहुत सारे लोगों के साथ। वो सब सुन रहा था और वो असेंबली के बंदे को वहाँ पर शूट कर देता है। इनफैक्ट वो भी कोडेक्स हासिल करना चाहता था और वो बहुत बुरा था। वो ये चाहता था कि अगर हम अपने यहाँ से लोग किसी दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट करें तो दूसरे प्लैनेट वालों को पहले मार दिया जाए। लेकिन जोरल की ये सोच बिल्कुल नहीं थी। वो चाहता था कि सब मिलकर रहें। इस बात को लेकर दोनों में बहुत ही लड़ाई होती है और जोरल किसी न किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो वहाँ पर अपने पेट ड्रैगन को बुलाता है और उस पर बैठकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो वहाँ से जाता है कोडेक्स के पास। तभी उसके पीछे पीछे जनरल भी आ जाता है और वहाँ पर भी उसको अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जोरल का ड्रैगन खुद पर चोट खाते हुए जोरल को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। फॉर्चुनेटली जोरल ने वो कोडेक्स हासिल कर लिया था। वो जैसे तैसे करके वो कोडेक्स अपनी बीवी को लाकर देता है। फिर कहता है कि ये लो, इसका सारा डीएनए हमारे बेटे में ट्रांसफर कर दो क्योंकि क्रिप्टन अब तबाह होने वाला है। जोरल कहता है कि मुझे शुरू में ही पता चल गया था कि हमारा बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, इसमें बहुत सारी एबिलिटीज हैं। हमें अभी इसकी जान बचानी होगी ताकि बड़ा होकर ये बहुत बड़ा आदमी बने। इसी के साथ वो उसे एक स्पेसशिप में कहीं दूर भेज देते हैं। जोरल ने अपने बेबी के साथ एक की भी रखी हुई थी। जोरल की वाइफ काफी इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन उन्हें ऐसा करना ही था। तभी वहां पर वो जनरल दोबारा आ जाता है और जोरल पर काफी अटैक्स करके इस बार उसे मार देता है। ये बहुत ही बुरी बात हुई थी। फिर वो बढ़ता है स्पेसशिप की तरफ ताकि उसे भी रोककर उस पर अटैक कर सके, लेकिन क्रिप्टन असेंबली को ये खबर हो जाती है। वो उसे रोकने के लिए फौरन से एक फाइटर भेजती है। स्पेसशिप डैमेज होने से बच जाती है। जब असेंबली मेंबर्स को ये खबर होती है कि उन्होंने जोरल को मार दिया तो वो उन्हें सजा देने के लिए एक चीज में कुछ सालों के लिए कैद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उस बेबी की स्पेसशिप को देखते हैं जो कि फाइनली दुनिया पर यानी प्लैनेट अर्थ पर पहुंच चुकी थी और क्रिप्टन वहां पर तबाह हो रहा था और उसमें मौजूद लोग भी। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट की तरफ। हम एक शिप में एक फिशरमैन को देखते हैं। उसका नाम था क्लार्क। वो भी बहुत सुपर एबिलिटीज रखता था। उस वक्त पास ही में एक जहाज क्रैश हो रहा होता है। क्लार्क फौरन से वहां पर जाता है और रेस्क्यू टीम भी वहां पर आ जाती है। इसी दौरान एक टॉवर भी वहां पर गिरने लगता है और क्लार्क अपनी पूरी पावर से उस टॉवर को रोक लेता है, लेकिन तभी वो जहाज ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्लार्क भी पानी में गिर जाता है। उसे सब पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसके पास कैसी कैसी एबिलिटीज थी। वो सब कुछ स्कैन कर सकता था, उसे दूर की आवाजें आती थीं, वो बहुत पावरफुल भी था। एक बार उसकी स्कूल बस पानी में गिर गई थी और उसने अपनी स्कूल बस और बच्चों दोनों को पानी से बाहर निकाला था और उसे तब खुद भी नहीं पता था कि उसने कैसे कर लिया। क्लार्क के फादर उसे कहा करते थे कि देखो बेटा, मैं तो जानता हूँ ना कि तुम्हारे पास कितनी सुपर एबिलिटीज है, लेकिन समझो बेटा, दुनिया के सामने ना शो किया करो, दुनिया पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाती है। तो इसलिए उसे अपनी पावर्स को छुपा कर रखना पड़ा और उसने एक होटल में एक काम करना शुरू कर दिया जो कि वेटर का था। उसे ट्रैवलिंग का और नई नई चीजें डिस्कवर करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने होटल में किसी से पता चलता है कि किसी जगह पर 20,000 साल पुरानी स्पेसशिप मिली है। ये सुनकर क्लार्क का उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और वहां पर वो जाने की सोचता है। उधर एक न्यूज रिपोर्टर भी थी जिसका नाम लुइस था। वो भी यहाँ पर इसीलिए आई थी क्योंकि वो किसी इंटरेस्टिंग चीज की खोज में थी। जब रात होती है तो वो रिपोर्टर उस जगह की कुछ पिक्चर्स लेने लगती है और उसे पिक्चर्स में कोई आदमी दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि क्लार्क ही था जो वहाँ पर स्पेसशिप ढूंढने के लिए अपनी आंखों से लेजर निकाल रहा था और पहाड़ों पर पड़ी बर्फ को मेल्ट कर रहा था। लकीली उसे वो स्पेसशिप मिल ही जाती है। उस स्पेसशिप के अंदर एक मॉड्यूल होता है। क्लार्क के पास एक मिस्टीरियस की थी जो कि वो उस मॉड्यूल में लगा देता है। उसमें से चौरल निकलता है और क्लार्क से कहता है कि मेरे बेटे तुम आ गए। तो क्लार्क कहता है आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो चौरल कहता है कि हम सब क्रिप्टन प्लैनेट पर रहा करते थे।
तुम मेरे बेटे हो, और जब वो क्रिप्टन प्लेनेट तबाह हो रहा था तो मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस दुनिया पर भेज दिया। और रही मेरी बात, तो मुझे एक आदमी ने कॉर्डेक्स के लालच में मार दिया। वो उसे कॉर्डेक्स के बारे में भी सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें भेजने से पहले तुम्हारा डीएनए कॉर्डेक्स के डीएनए से मैच कर दिया था, और इसीलिए तुम में बहुत सारी सुपर पावर्स हैं। इसका तुम अच्छे से इस्तेमाल करना, और इसके लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल सूट भी देता हूँ। ये सब कुछ वो रिपोर्टर लड़की भी देख रही होती है। वो अंदर आकर मॉड्यूल के पिक्चर्स लेने लगती है, और मॉड्यूल उस पर अटैक कर देता है जिससे वो गिर जाती है। तभी क्लार्क उसे उठाकर बाहर लेकर आता है। फिर उसके बाद क्लार्क वो स्पेसशिप लेके वहां से चला जाता है। रिपोर्टर काफी नर्वस थी कि कोई स्पेसशिप यहां कैसे आ सकती है। ये सब डिस्कस करने के लिए वो उस न्यूज़पेपर कंपनी के हेड के पास जाती है जहां पर वो काम करती थी। वो कहती है कि हमें ये न्यूज़ पब्लिश करनी चाहिए। तो हेड कहता है कि मेरा नहीं ख्याल, अभी कंफर्म नहीं है, इसको यहां पर ही फुल स्टॉप दे दो। लेकिन लुईस यानी वो रिपोर्टर ये बात किसी न किसी से शेयर तो करना चाहती थी, तो किसी दूसरे न्यूज़ रिपोर्टर को ये बात बताती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लार्क अब सुपरमैन बन चुका था। वो आसमान में बिला खौफ उड़ रहा था। उसे किसी चीज का डर नहीं था, वो हर चीज का मुकाबला करना चाहता था। अब वो रिपोर्टर लुईस दिखाई जाती है, जो कि किसी न किसी तरह क्लार्क का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंच चुकी थी। वो उसकी मॉम से मिलती है, और फिर उसके फादर की कब्र के पास भी जाती है। तभी वहां पर क्लार्क भी आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो लुईस कहती है, क्योंकि मुझे तुम बड़े मिस्टीरियस लगते हो, तुम अपनी पावर्स दुनिया से क्यों छुपा रहे हो। तो क्लार्क उससे कहता है कि आओ, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे यादगार किस्सा सुनाता हूँ। वो कहता है कि एक दिन बाबा मामा और मैं कहीं जा रहे थे, हमारे साथ हमारा डॉग भी था, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ गया। इतना बड़ा तूफान कि वो हर चीज को अपने साथ उड़ाकर लेकर जा रहा था। हम सब कार से बाहर आ गए, लेकिन हमारा डॉग कार के अंदर ही रह गया, और डैड उन्हें बचाने गए, लेकिन वो खुद भी वहां पर फंस गए। मैंने उनकी मदद करना चाही, और मैं चाहता तो उन्हें बचा भी लेता, लेकिन उन्होंने मुझे इशारे से मना कर दिया कि नहीं, किसी के सामने अपनी पावर को नहीं शो करना। तो मैं उनके करीब नहीं जा सका, और तूफान उन्हें भी अपने साथ ले गया। अब आज वो तो जा चुके हैं, लेकिन उनकी कही हुई बात आज भी मेरे जहन में है, और अगर मैं उनको नहीं बचा सका तो मैं अपनी पावर्स दुनिया के सामने क्यों शो ऑफ करूं। तो वो कहती है कि तुम दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप द गुड वर्क अप। फिर क्लार्क अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मॉम, मैं सुपरमैन बन चुका हूँ, और अब मुझे समझ आ गया है कि मैं शुरू से इतना स्ट्रांग क्यों था। उसकी मॉम ये सुनकर रोने लगती है और बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। तो क्लार्क कहता है, कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपके साथ रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि आर्मी को सैटेलाइट के जरिए कुछ अजीबोगरीब पिक्चर्स मिलती हैं। उन पिक्चर्स से ये शो हो रहा था जैसे कोई स्पेसशिप दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। फिर उन्हें मैसेज मिलता है कि हमारे प्लेनेट का एक आदमी आपके प्लेनेट पर है, हम उसे लेने आए हैं, और अगर वो हमें ना लौटाया गया तो हम तुम्हारी दुनिया खुद तबाह कर देंगे। ये सुनकर सब काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन सबको अपनी सेफ्टी के लिए क्लार्क को वापस भेजना ही था। दूसरी तरफ उस न्यूज़पेपर कंपनी का हेड भी सबको ये खबर बता देता है, क्योंकि अब ये बात किसी से छुपी नहीं थी। फिर हमें पता चलता है कि क्रिप्टन प्लैनेट से वो जनरल भी आ चुका है इस दुनिया में। आर्मी ऑफिसर्स और काफी ज्यादा एजेंट्स सुपरमैन को ढूंढ रहे होते हैं। सुपरमैन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इस दुनिया में कोई मसला पैदा हो, तो वो खुद ही उनके सामने चला जाता है और सरेंडर कर देता है। अब उसे अरेस्ट करके एक रूम में लाया जाता है, जहां पर लुईस उससे बातचीत करती है, उसे इन्वेस्टिगेशन करती है। उस रूम में ग्लास लगा होता है जिसके पीछे से आर्मी भी उनकी बातें सुन रही थी। तो क्लार्क उस शीशे के पास जाता है और कहता है कि आपको मुझ पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपकी सेफ्टी के लिए ही खुद को सरेंडर किया, और आप फिक्र न करें, आप भेज दें मुझे उन लोगों के पास ताकि आप लोग सेफ रहें। इस बात से उनको भी अंदाजा हो जाता है कि ये पूरा इंसान नहीं। अब सुपरमैन को एक मैदान में ले जाया जाता है जहां पर क्रिप्टन प्लैनेट के लोग उसे लेने आते हैं। वो लोग प्लैनेट अर्थ की आर्मी को कहते हैं कि हमें अपने साथ लुईस को भी ले जाने दें, लेकिन आर्मी नहीं मानती। तो लुईस कहती है कि कुछ नहीं होता, फिलहाल मुझे जाने दें, और वो उनके साथ चली जाती है। क्रिप्टन प्लैनेट पहुंचते ही लुईस को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है, और अब जनरल आता है सुपरमैन के पास। वो सुपरमैन से कहता है, ये तो तुम भी जानते होगे कि क्रिप्टन अब तबाह हो चुका है, इसलिए मुझे अब दुनिया में जाना है, प्लैनेट अर्थ पर अपना प्लैनेट बसाना है, तो इसके लिए तुम मेरी मदद करोगे, तो मुझे ये भी बताओ कि कॉर्डेक्स कहाँ पर है। तो सुपरमैन कहता है कि मैं नहीं जानता। जनरल कहता है, यानी तुम चाहते हो मैं तुम सब लोगों को मार के दोबारा से नया क्रिप्टन बनाऊं। दूसरी तरफ हम लुईस को चैम्बर में देखते हैं। उसके पास क्लार्क की वो मिस्टीरियस की थी जो कि उसी ने उसे दी थी। वो उस की को वहां पर लगाती है तो जनरल फिर से वहां आ जाता है। वो लुईस से कहता है कि ये स्पेसशिप मैंने ही बनाई है,
और मैं इसके सब रास्ते जानता हूँ, बस वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा। वो उसे लेके बाहर निकल आता है और वो लोग उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जनरल के लोग आगे से उन पर भी अटैक करते हैं। जैसे तैसे लुइस जोरल की मदद लेके एक और स्पेसशिप में दुनिया में वापस चली जाती है। अब जोरल सुपरमैन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतनी पावर है, तुम इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हो, तुम स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ सकते हो। सुपरमैन अपनी पूरी पावर से उसका दरवाजा तोड़ देता है। बाहर आने पर उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल महसूस करता है। लुइस जो कि स्पेसशिप में प्लेनेट अर्थ की तरफ जा रही थी, उसकी स्पेसशिप रास्ते में ही क्रैश होने लगती है। सुपरमैन फौरन से उधर जाता है और उसको बचाकर आराम से नीचे ले आता है। फिर हम देखते हैं कि जनरल भी प्लेनेट अर्थ में आ चुका है और सुपरमैन की मॉम के पास जाता है। वो कहता है कि बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा और वो कॉर्टेक्स कहाँ है। वो उसे मारने लगता है और तभी वहां पर सुपरमैन आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया। वो उसे वहां से लेके तेजी से उड़ने लगता है और उसे पिलर्स में दे मारता है। जनरल ने एक स्पेशल सूट पहना हुआ था। उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। सुपरमैन उसका हेलमेट तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। इस बात का फायदा उठाते हुए सुपरमैन उसे मारने ही लगता है कि तभी जनरल के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। अब वो लोग जनरल को वापस अपने साथ क्रिप्टन ले आते हैं। वहां पर जनरल का खास आदमी उसे बताता है कि आप सुपरमैन को बस यहाँ पर ले आए, कॉर्डेक्स उसकी बॉडी से निकालना मेरा काम है, चाहे आप उसे जिंदा लाएं या मरा हुआ मैं कॉर्डेक्स निकाल दूंगा। ये सुनकर जनरल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जनरल को प्लेनेट अर्थ का एनवायरनमेंट बिल्कुल सूट नहीं करता था। तो वो वहां पर दो मशीन्स भेजता है जो कि एक अजीब किस्म की स्मोक निकालती थी और दुनिया को प्लेनेट क्रिप्टन की तरह बना रही थी। उसकी वजह से लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनकी जमीन का एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा था। लुइस आर्मी हेड के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे जोरल ने बताया था कि जिस स्पेसशिप में मैं आई हूँ उसको इन मशीन्स के साथ टकरा दिया जाए तो ये मशीन्स तबाह हो सकती हैं। तो वहाँ सुपरमैन आके कहता है कि हाँ आप इस मशीन को स्पेसशिप के साथ हिट करके डिस्ट्रॉय कर दें और मैं दूसरी मशीन को खुद डिस्ट्रॉय करके आता हूँ। सुपरमैन वहां पर जाकर अपनी पूरी पावर्स यूज करता है और उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ लुइस और वो आर्मी ऑफिसर उस स्पेसशिप को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर जनरल की खास एजेंट आके उन्हें रोक लेती है। जिस प्लेन में वो लोग होते हैं वहां पायलट कहता है कि मैं अपना जहाज उस मशीन से टकरा देता हूं। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मुझे बस दुनिया को बचाना है। और ये कह के वो जहाज उसके साथ हिट कर देता है, जिससे वो मशीन फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन उसी दौरान उसमें से लुइस भी गिर जाती है और अभी वो हवा में ही होती है कि सुपरमैन आके उसे बचा लेता है और पहले ही की तरह वो लोग आराम से जमीन पर लैंड करते हैं। अब दोनों मशीन्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थीं, तो लोग अब काफी तसल्ली में थे, खुश थे कि शायद हम बच गए हैं। लेकिन तभी वहां पर जनरल दोबारा आ जाता है। वो सुपरमैन से कहता है कि तुमने मेरा करा कराया प्लान खराब कर दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है और दोनों की बहुत फाइट होने लगती है। लड़ते लड़ते वो दोनों एक बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहां पर जनरल अपनी आंखों से सेम लेजर निकालने लगता है और बिल्डिंग में मौजूद मासूम लोगों पर डालने लगता है, जिनसे उनकी जान को खतरा था। सुपरमैन उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो पास ही नहीं आता, तो मजबूरन सुपरमैन को उसे मारना पड़ता है। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे लोगों की जान बचानी थी, और उसे मारते ही वो रोने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन यानी क्लार्क लुइस के पास एक न्यूज रिपोर्टर के इंटरव्यू के लिए जाता है। लुइस उसे हायर कर लेती है और स्माइल करके कहती है वेलकम टू द न्यू प्लैनेट। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।